साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग एक बार फिर उपस्थित हैं नाइट सेशन में नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास के 10 के दम में। और आज इस 10 के दम में क्वेश्चन आवर के अंतर्गत आर सेक्शन का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आवर होने वाला है, जिसमें 11 सवाल हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से लेकर मैं आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन के प्रारूप पर आपको स्टडी करना चाहिए ताकि आप एग्जाम में कठिन से कठिन सवाल को आसानी से बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 10 कदम। जितने भी लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो चैनल से जुड़े हुए हैं, वो निश्चित तौर पर क्वेश्चन आवर को जरूर बनाएं और अपना स्कोर भी जारी करें ताकि मैं देख सकूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और किस सेक्शन में आपको दिक्कत हो रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 10 कदम, जिसमें पहला सवाल आपके लिए यहां है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कर वसूल करने वाला अधिकारी कहलाता था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा गया एग्जाम में। तो जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें ताकि ज्यादा बड़ा टीम बन सके। तो क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कर वसूल करने वाला अधिकारी कहलाता था, ये मौर्य प्रशासन से सवाल है। समाहर्ता, बी सनिधाता, सी सीताध्यक्ष और डी पोतवाध्यक्ष। किसको कर वसूल करने का जिम्मा था, अधिकार दिया गया था? तो आंसर जो है इसका वो है समाहर्ता। तो ध्यान रखने होंगे आज भी समाहर्ता का काम यही होता है, कलेक्ट्रेट में कर वसूल करना, राजस्व अधिकारी होता है वो, रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर काम करता है। जबकि सनिधाता जो होता है वो ट्रेजरर होता है, कोषाध्यक्ष होता है। सीताध्यक्ष राजकीय भूमि का देखभाल करने वाला अधिकारी के रूप में काम करता था, और पोतवाध्यक्ष जो माप तौल का अधिकारी होता था उसको पोतवा अध्यक्ष के रूप में जाना जाता था। तो मौर्य प्रशासन में जो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया था, नाम अर्थशास्त्र था लेकिन अर्थशास्त्र से नहीं, ये राजनीति शास्त्र की पुस्तक थी। इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में डिटेल में वर्णन किया गया था, और उसमें कर प्रणाली और कर वसूल करने के लिए जो अधिकारी होते थे उसको समाहर्ता के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, इनमें से किसे मुगल राज का गजेटियर कहा गया है? तो चार पुस्तक का नाम दिया गया है, मुगल कालीन जो राज चलता था, मुगल साम्राज्य, उस समय के तथ्यों को वर्णन किया गया अलग अलग पुस्तकों में, और उन पुस्तकों में चार पुस्तक है जिसमें कहा गया है कि कौन ऐसा पुस्तक है जिसको मुगल काल का गजेटियर कहा जाता है। गजेटियर मतलब राजपत्र। ऑप्शन में पहला मुख्तखब उल तवारिक, मासिर ए आलमगिरी, मजमुल बहरीन और आलमगीर नामा। किसको मुगल राज का गजेटियर कहा गया? तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि इसका आंसर मासिर ए आलमगिरी है, और मासिर ए आलमगिरी को ही मुगल राज का गजेटियर कहा गया। और ये कहने वाले थे यदुनाथ सरकार ने इस पुस्तक को मुगल राज का गजेटियर कहा। और ध्यान रखना है कि ये जो पुस्तक है इसको लिखा था साकी मुस्तैद खान ने। तो साकी मुस्तैद खान के द्वारा लिखी मासिर ए आलमगिरी को मुगल राज से चीजें, सभी चीजों को, तथ्यों को प्रस्तुत किया, और इसलिए यदुनाथ सरकार ने इसको मुगल राज का गजेटियर कह दिया। जबकि मुख्तखब उल तवारिक जो पुस्तक है ये लिखा गया है बदायूनी के द्वारा, बदायूनी ने इसमें अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना किया था। जबकि मजम उल बहरीन दारा सिकोह ने लिखा था, और दारा सिकोह ने इसको दो महासागरों के मिलन के तौर पर प्रस्तुत किया कि दो तरह के धर्म के जो मिलन होता है तो उसमें क्या संस्कृति का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में चर्चा किया गया। और दारा सिकोह को आपको पता होगा कि मुगल साम्राज्य का सबसे शिक्षित और योग्य व्यक्ति माना जाता था। तो ध्यान रखना, जबकि आलमगीरनामा जो एक पुस्तक है जिसमें औरंगजेब का वर्णन मिलता है, और इसके लेखक कासिम सिराजी, तो कासिम सिराजी ने इसको लिखा और इसमें औरंगजेब के बारे में वर्णन किया गया है। जबकि जो आपसे पूछा गया मुगल राज का गजेटियर, वो मासिर ए आलमगिरी, लेखक साकी मुस्तैद खान, तो ये ध्यान रखना। आगे चले तो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की यात्रा करने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? तो ये ध्यान रखना कि पुर्तगाली आए थे यूरोपियों के आगमन के तौर पर भारत में पहली बार, उसके बाद अलग अलग डच आए, अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए, इस प्रकार से धीरे धीरे आते गए व्यापार के लिए। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से जो पुर्तगाली आए थे तो पूछा कि दूसरा पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था। तो पहला जो भारत की खोज किया था वास्को डी गामा, पहला पुर्तगाली था, 1498 में भारत पहुंचा था। जबकि
दूसरा जो पूछ रहा है कि दूसरा पुर्तगाली कौन, तो पहला वास्को डी गामा, दूसरा डी अल्मेडा, तीसरा अल्ब्रेज कैब्राल और चौथा डी अल्बुकर। तो ये ध्यान रखना है कि पहला वास्को डी गामा था जबकि दूसरा अल्ब्रेज कैब्राल था। तो ये ध्यान रखना अल्ब्रेज कैब्राल भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था जबकि डी अल्मेडा पुर्तगाली राज्य का संस्थापक माना जाता है भारत में और इसके द्वारा ही पहला गवर्नर का जिम्मा संभाला गया था। पुर्तगाल सरकार ने जब यहाँ क्षेत्र का विस्तार हुआ तो पहले गवर्नर के तौर पर डी अल्मेडा को नियुक्त किया जबकि डी अल्बुकर को भारत में पुर्तगाली के वास्तविक संस्थापक के रूप में देखा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि सभी पुर्तगाली हैं जिसमें पहला ये, दूसरा ये आने वाले, पहला गवर्नर पुर्तगाली डी अल्मेडा जबकि पुर्तगाली शासक का वास्तविक संस्थापक के रूप में डी अल्बुकर को याद किया जाता है। आगे चले तो पॉलिटी से सवाल है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ ग्रहण कौन कराता है? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जज का, चाहे वो मुख्य जज हो या अन्य न्यायाधीश, उसका शपथ ग्रहण कौन कराता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, महाधिवक्ता, राज्यपाल, वरिष्ठ न्यायाधीश। तो कौन कराता है शपथ ग्रहण? तो शपथ ग्रहण जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा कराया जाता है जबकि नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करता है। तो ध्यान रखना राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश का जबकि उसका शपथ ग्रहण की जिम्मेवारी राज्य के राज्यपाल की होती है। तो ये ध्यान रखना है। आगे चलें तो कहता है भारत को माता का दर्जा किसमें दिया गया है? राष्ट्रगान में, राष्ट्रगीत में, राष्ट्रीय चिन्ह में, राष्ट्रीय ध्वज में। तो बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना है कि भारत को माता के रूप में हम लोग जब राष्ट्रगीत गाते हैं वंदे मातरम, तो मातरम माता से निकल करके आया है और वहां पर वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत गाया था बंकिम चंद चटर्जी के द्वारा लिखित रचित जो राष्ट्रगीत है उसमें ही भारत देश को एक मां के दर्जा के रूप में, माता के रूप में सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रखना, तो ध्यान रखना है राष्ट्रगान का रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर, ये ध्यान देना है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया जबकि राष्ट्रीय ध्वज तो कई लंबी प्रक्रिया के बाद अपनाया गया। तो ये ध्यान रखना। अब यहां पर जो बात है माता का दर्जा किसमें, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में, रचयिता बंकिम चंद चटर्जी, ध्यान रखना। आगे चले तो छठा सवाल कि वित्त व्यवस्था का संरक्षक किसे माना जाता है? वित्त व्यवस्था जो फाइनेंशियल सिस्टम है कि कहां से पैसा आया और कहां कितना खर्च हुआ, सरकार का जो खर्च है आय व्यय का, उसका कौन संरक्षक है, पैसा सही मद में जा रहा है कि नहीं, इसकी देखरेख कौन करता है? यह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, महाधिवक्ता या सभी। कौन ये देखता है कि सरकार का आय व्यय के खर्च का जो लेखा जोखा है वो कौन रखता है? तो यहां पर आंसर जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये ध्यान रखना है। और ये इसी को नॉर्मली हम लोग कैग कहते हैं। तो कैग जो होता है वो वॉच डॉग है भारत का, या वित्तीय व्यवस्था का वॉच डॉग है, रखवाली करता है कि फंड जो आ रहा है वो सही मद में खर्च हो रहा है कि नहीं, खर्च हो रहा है तो कितना खर्च हो रहा है, ये सब का देखभाल नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है जिसका संविधान में वर्णन आर्टिकल 148 में किया गया है। तो ध्यान रखना, जबकि महान्यायवादी सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है जो सरकार को केंद्र स्तर पर सलाह देता है कि क्या कानूनी प्रावधान होना चाहिए, जबकि महाधिवक्ता का काम जो केंद्र में महान्यायवादी का है वही राज्य स्तर पर महाधिवक्ता का होता है। तो ये ध्यान रखना है। जबकि यहां वित्तीय व्यवस्था के बारे में पूछा गया कि संरक्षक कौन, तो नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक। तो ये ध्यान रखना है। आगे चलें तो सातवां सवाल आपके लिए कि भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन बनाता है? तो बहुत समान जनरल अवेयरनेस के सवाल है कि भारत का जो भौगोलिक ज्योग्राफिकल मैप आता है उसको बनाने का जिम्मा किसको दिया गया है? तो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण को, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को, रक्षा मंत्रालय को, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण को, किसके द्वारा भारत का भौगोलिक मैप बनाया जाता है? तो मैवेलिक मैप या स्थलाकृति का निर्माण सर्वे ऑफ इंडिया करता है, मतलब भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो ध्यान रखना है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ही भारत के ज्योग्राफिकल मानचित्र का निर्माण किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। आगे चले आठवां सवाल कि किस राज्य की सीमा तीन देशों को स्पर्श करती है? किस राज्य की सीमा तीन देशों को स्पर्श करती है? और ये पीसीएस में पूछा गया सवाल है। तो मैप से, मानचित्र से अक्सर सवाल पूछेगा और मानचित्र देखने में यही सब चीजों को ध्यान रखना है। एक राज्य कितने से टच कर रहा है, एक राज्य का अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो किन किन देशों से टच करता है, ये सब आपको ध्यान रखना है देश स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो यहां जो है किस राज्य की सीमा
तीन देश को स्पर्श करती है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, असम। कौन ऐसा राज्य है इन चारों में जिसकी सीमा तीन देशों के सीमा को स्पर्श करती है? तो आंसर जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा, ये ध्यान रखना। अब यहां पर जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय राज्य को, अंतर्राष्ट्रीय देश को टच करता है जो पाकिस्तान है, असम दो देश को टच करता है, ये ध्यान रखना है, जबकि मिजोरम एक देश को टच करता है, अरुणाचल प्रदेश तीन देश, तीन देश कौन कौन, तो ऊपर में चीन, बगल में सिक्किम और पूरब चले जाए तो म्यांमार, बर्मा। तो इस प्रकार से ये तीन देशों को टच करने वाला भारत का राज्य कौन, अरुणाचल प्रदेश, जो पूर्वोत्तर में भारत के सबसे पूरब में स्थित राज्य है और यहीं पर सबसे पहले सूर्योदय होता है भारत में, तो ध्यान रखना है। नौवां सवाल, ज्योग्राफी से ही सर्वाधिक उपज देने वाला खाद्य फसल कौन है? सर्वाधिक उपज, गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, कौन ऐसा फसल है जिसमें सर्वाधिक उपज मिलता है, मतलब उसका काउंट करेंगे प्रोडक्शन के मामले में उसका वैल्यू तो सबसे ज्यादा किसका, तो ध्यान रखना कि भारत का सबसे मूल्यवान फसल कौन, गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, तो आंसर जो जा रहा है इसका वो धान है, दूसरे नंबर पर गेहूं है, तो सबसे ज्यादा उपज देता है, उसकी वैल्यू भी सबसे ज्यादा है, सबसे मूल्यवान खाद्यान्न फसल है और सबसे ज्यादा भारत के क्षेत्रफल में जो कृषिगत भूमि है उसमें भी सबसे ज्यादा धान ही लगाया जाता है, तो धान मुख्य फसल है, ध्यान रखना, जो खरीफ फसल की श्रेणी में, वर्षाधीन फसल है, रेनी सीजन में होता है, तो ये ध्यान रखना है सर्वाधिक उपज देने वाला खाद्य फसल कौन, धान। अब दो सवाल इकोनॉमी से, बहुत सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन सवाल है। पहला, इनमें से कौन संपत्ति का लक्षण है, प्रॉपर्टी का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है? ऑप्शन है दुर्लभता, उपयोगिता, विनिमय मूल्य या सभी। तो बिल्कुल कॉमन सवाल है और इस तौर पर ही आपको ध्यान रखना होगा। तो दुर्बलता, दुर्लभता, उपयोगिता, विनिमय मूल्य या सभी प्रॉपर्टी का कौन लक्षण है इसमें? तो आंसर जो है इसमें ये सभी है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मनी या प्रॉपर्टी दुर्लभ होता है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है, नॉर्मली ऐसे मिलता नहीं है, आपको पैसा या धन संपत्ति कमाने के लिए काफी वर्क करना पड़ता है, सभी लोगों के पास नहीं होता है और इसलिए अमीर और गरीब में वितरण है समाज का। तो ये ध्यान रखना है कि दुर्लभ है, सबके पास नहीं, जिनके पास है वो धनवान है, प्रॉपर्टी के मालिक है, जिनके पास नहीं वो गरीब है। उपयोगिता मतलब प्रॉपर्टी हमारे लिए यूजफुल होना चाहिए, उसका आप अपने उपयोगिता में यूज कर सके, पैसा है तो आप उसको उपयोगी रूप में खर्च कर सकते हैं, मेडिकल सुविधा ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, यातायात की सुविधा ले सकते हैं, आपके रहने के लिए बेसिक नीड्स की पूर्ति कर सकता है, तो उपयोगिता है उसके। तीसरा, कि इसके द्वारा विनिमय मूल्य होता है, एक्सचेंज वैल्यू है, मतलब उसको दे करके आप दूसरा चीज ले सकते हैं, कि कोई प्रॉपर्टी है, सोना है तो सोना दिए और उसके बदले हम कुछ खरीद सकते हैं, तो सोना क्या है, प्रॉपर्टी है। लैंड है, लैंड आप किसी को देंगे वो बदले में मुद्रा देगा, पैसा देगा, कुछ भी देगा, धान देगा, अनाज देगा, तो ये क्या है, विनिमय वैल्यू है, तो एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी का तीसरा विनिमय भी होता है, और इसलिए यहां पर जो ऑप्शन है ये प्रॉपर्टी का तीनों ही लक्षण। अंतिम सवाल आज के क्वेश्चन आवर का, कि नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा बैंक द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही अधिक होगी, कम होगी, कमजोर होगी, सभी, क्या होगा? तो सभी ऐसे नहीं करना कि यहां भी सभी था तो यहां भी सभी हो जाए। तो यहां कह रहा कि नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा बैंक द्वारा उधार या लोन देने की गुंजाइश क्या होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, कमजोर होगी, सभी, क्या होगा? तो नकदी रिजर्व अनुपात CRR समझते होंगे, कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है इसको, और CRR RBI तय करती है, जो बैंक को हर हमेशा अपने ब्रांच में एक फिक्स रेशियो में CRR रखना होता है, और RBI कंट्रोल करती है कि CRR बैंक में होना चाहिए ताकि कोई ग्राहक आए तो वो खाली हाथ ना लौटे, बैंक ये को ये ना कहना पड़े कि आज मेरे पास पैसा नहीं, तो इतना मिनिमम एक रेशियो होना चाहिए जितना कि बैंक हमेशा कैश के रूप में वहां रखे, जितना फंड है उसके पास उसके कुल रेशियो का कुछ हिस्सा हमेशा कैश के रूप में रखना होता है, उसको आप लगा नहीं सकते हैं, इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, लोन के रूप में नहीं दे सकते हैं। तो यहां कहता है कि CRR जितना कम होगा, मान लेते हैं कि किसी बैंक के पास 1,000 रुपया और 1,000 रुपये में बैंक RBI ने कह दिया कि इसका 20% आपको CRR रखना है, तो 20% रखना है मतलब 1,000 का 20% 200 रुपया, तो बच गया कितना 800 रुपया, तो 800 रुपया ही वो लगा सकता है, लोन पर उधार दे सकता है, लेकिन अगर RBI इसको कम कर दे 20% की जगह 5% कर दे
तो 5% करेगा तो 50 रुपया कैश रखना पड़ेगा और इस रूप में उसको 950 रुपया बचेगा जो लोन दे सकता है। तो यहाँ 800 रुपया लोन दे सकता था 20% पर, जब 5% सीआरआर है तो वो 950 रुपया तक लोन दे सकता है। मतलब कि अगर सीआरआर बैंक कम करती आरबीआई तो उस स्थिति में बैंक जो है उधार या ऋण देने की ज्यादा अच्छी स्थिति में होता, मतलब अधिक रन ऋण दे सकता है, लोन अधिक उपलब्ध करा सकता है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। और यही था आज के क्वेश्चन आवर का 10 कदम 11 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको जानना चाहिए और इसी प्रारूप पर आपको तैयारी करनी चाहिए। तो फिर मिलेंगे कल के क्लास में। सभी लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने का ख्याल रखेंगे। साथ ही शुभ रात्रि और क्लास को कंटिन्यू करते रहें। क्वेश्चन आवर में जरूर पार्टिसिपेट करें, एक्यूरेसी पर ध्यान दें, एक भी क्वेश्चन को गलत ना बनाए, अंदाज पर बनाने की आदत को छोड़ें। एग्जाम में कैसे करना होता है वो अलग मैटर है, यहां पर जब बनाते हैं तो जितना जाने उतना ही बनाए, उतना में संतुष्ट रहें और साथ ही साथ स्कोर जरूर जारी करें। तो बोलिए सब मिलकर की जय हे मैया की। थैंक यू।